नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। तो गाइस बाहर सुहाना मौसम है, बोलो फायदू मौसम है, क्या बोलते हो, क्या चल रहा है आजकल। बैक विद अनदर रेड बॉल पुल वीडियो। और तुम लोग को लगता नहीं है कि गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है? अपने को इसको बुलाना पड़ेगा। किसको? हवा को। कैसे बुलाएंगे? हवा आना कहकर। समझ तो तुम लोग गए होंगे, मैं फुकट बकछोदी कर रहा हूँ। हवा ना चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, गेम में आई हुई है नवी चैंपियनशिप। हालांकि अपना खेलने का कोई मोटिव कोई कुछ बनता ही नहीं है, बिकॉज इसकी रिंग अपने पास ऑलरेडी है। ठीक है, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोग के पास इसकी रिंग है या नहीं है। जिसके पास है बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है भाई 2000 पॉइंट्स कर लो सिंपल सिंपल चैंपियनशिप में। ज़्यादा कैश भी नहीं लगेगा, 50-100 कैश के अंदर ही काम हो जाएगा और इजीली इसकी रिंग तुम लोग से निकल जाएगी। ठीक है, तो आज अपन खेलेंगे हवाना चैंपियनशिप। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा फिनिश दिखा लेता हूँ। इनडायरेक्ट खेलने में मेरे को पब्लिक पूछ रही थी भाई इनडायरेक्ट बताओ, इनडायरेक्ट सिखाओ ना ये सिखाओ, कुछ नहीं है भाई इनडायरेक्ट का कोई मसला नहीं है। तुम लोग को सिर्फ कंट्रोल रखना है अपने क्यू बॉल पर। कंट्रोल किस चीज़ से रख सकते हो? तुम लोग स्पिन से और फोर्स से। ऐसी पोजीशन बनाओ, ऐसा इनडायरेक्ट खेलो कि तुम्हें नेक्स्ट शॉट की पोजीशन पहले ही बन के मिल जाए। ठीक है, हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए कि दफन ना हो तुम लोग। ठीक है, ये बहुत ही अजीबोगरीब था लेकिन ये बेहतरीन सी टिप थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो, ये वाला गेम अपन फिनिश करते हैं। इसको इनडायरेक्ट तरीके से फिनिश करने की कोशिश थी लेकिन एक दो बॉल बीच में मुझे लगे तो मैंने डायरेक्ट खेल लिया। पर अब इसको प्यार से इनडायरेक्ट फिनिश खेलेंगे और ब्लैक को टॉप लेफ्ट खेल लेंगे। ठीक है, और आज मैं लाइव आ नहीं पाया, आज यानी कि कल अपन लाइव आ नहीं पाया, थोड़ी सी बिजी वापस से हो। छुट्टी के दिन भी मैं बिजी हो जा रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो टाइम टू टाइम अभी अपलोड करें और एट बॉल पूल के ही वीडियो अपलोड करें, तो तुम लोग बने रहो। और तुम लोग एक और बात बोल देता हूँ कि किसी को भी एट बॉल पूल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, कॉइन्स कैश क्यूज अकाउंट कुछ भी भसड़ मची हो तुम लोग के दिल में, तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, तुम लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगी बड़े ही प्यार से। ठीक है, और जाते हवाना की चैम्पियनशिप खेलते। पहले बंदे का नाम क्या बुलाऊँ मैं इसे, इसका नाम तो ऐसे है, मैं बुलाऊँ क्या उसे? कोई बात नहीं, टेबल मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है ब्लू कलर का, तो मैं इसको ले लूँगा आर्गन क्यू, जो कि प्यार से सूटेबल हो रही है इस क्यू के हिसाब से। मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब तुम लोग एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा है नूब वर्सेस प्रो ब्रेक। ठीक है, तो अभी जो अपन ने ब्रेक किए ये ब्रेक थी नूब ब्रेक। अब तुम लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही प्यारी सी ब्रेक है, गेम में ऑलमोस्ट 90% लोग यही ब्रेक करते हैं, चाहे छोटा टेबल हो चाहे बड़ा टेबल हो। लेकिन इसको मैं बोलूँगा नूब ब्रेक। इसके बाद मैं तुम लोग को एक और गेम बताऊँगा जिसमें तुम लोग को प्रो ब्रेक दिखाऊँगा, और तब तुम लोग बताना कि कौन सा प्लेयर नूब है और कौन सा प्लेयर प्रो है। ठीक है, फिलहाल ये वाली मैच तुम लोग देख लो, ब्रेक अच्छी थी। ऑब्वियसली नूब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि मतलब गंदी पाचड़ जैसी ब्रेक, पर ठीक है कुछ तो भी मतलब है उसका, तुम लोग को आगे पता चलेगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि इनडायरेक्ट कुछ बने मेरे से, पर मौसम ही नहीं बन रहा है इनडायरेक्ट का, कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं जा रही। खाली सोच रहा हूँ, सोच विचार करने के बाद मैंने बोला छोड़ो इनडायरेक्ट, वीडियो बड़ा ही बनाना है, 7-5-7 मिनट की वीडियो में तुम लोग को अच्छे खासे इनडायरेक्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा जोर जबरदस्ती करके इनडायरेक्ट शॉट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और, अगर बॉटम में ओपोनेंट की ग्रीन बॉल नहीं होती तो मैं इजीली खेल लेता इसको बॉटम लेफ्ट में, पर यहाँ पे कोई नहीं, इसको भी डायरेक्ट खेले। अभी भी थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, कोई भी बॉल इनडायरेक्ट जा नहीं रही है अब तक, तो इसको भी मैं डायरेक्ट खेल लेता हूँ। और इसके बाद मेरे को लग रहा है कि अपन प्यारा सा दफन होने वाले हैं। ठीक है, हालांकि मैं बैक स्पिन लेता तो कुछ पोजीशन वगैरह कुछ बन जाती, पर मेरे दिमाग में आया नहीं वो शॉट। अब यहाँ पे मसले देखो, यहाँ पे प्योर लक प्योर फ्लूक जो कि अपना साथ दे देता है, थोड़ी नसीबा आपा अपना साथ दे देती है। यहाँ पे मैं भी ओपोनेंट को दिखाऊंगा, मैं एक्चुअली यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ ब्लू बॉल को ग्रीन के टच पे, देखो बताकर खेल रहा हूँ, ग्रीन के टच पे बॉटम लेफ्ट खेलने के लिए। ठीक है, ये मेरा प्लान है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है जो कि अपने लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, और ये होता है बेहतरीन सा फ्लूक। ठीक है, फिर नसीब ने अपना थोड़ा सी साथ दे दिया, जिसके साथ अपन पहली मैच हवाना चैंपियनशिप की यहाँ पे जीत गया। अभी इसमें क्या ही नहीं जीतेंगे भाई, सब डायरेक्ट डायरेक्ट ही खेल लिया, ऐसा कोई खास बॉल मिला नहीं, खास पोजीशन मिली नहीं जिसको इनडायरेक्ट बना सकते थे, पर जो भी मिला अपन ने खेल लिया इसमें, और ये वाला गेम प्यार से निकाल लिया। अभी तक वीडियो पे बने हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है। एक अभी तुम लोग को प्रो ब्रेक दिखाता हूँ, ठीक है, ये तो खैर नूब ब्रेक थी जिसमें कि अपनी डिनाइल लग गया, थोड़ा लक ने थोड़ा साथ दे दिया, पर अब तुम लोग को बताऊँगा प्रो ब्रेक। अभी जाहिर सी बात है पिछले गेम में ब्रेक अपनी थी, तो इस बार ब्रेक होगी ओपोनेंट की, और ये है वो बंदा जिसका नाम है
मजहरुल आलम प्रो ब्रेक किस तरीके से की जाती है, तुम लोग सब देखो और सब सीखो, सिर्फ देखो मत सीखो। इस तरीके से की जाती है प्रो ब्रेक, पूरा का पूरा एंगल देखो, बंदे की स्पिन देखो और बंदे का फोर्स देखो, और ये प्रो ब्रेक है वाकई में, ठीक है। अगर कोई हंसा इस बात पे तो भाई उसे घर पे आके उठा लेते अपन, ठीक है। पहली फुर्सत में ये थी प्रो ब्रेक, इसमें उसने कुछ भी नहीं किया, प्यार से पप्पी दे के ब्रेक को छोड़ दिया, और यहाँ पे अपन ने ज़्यादा देर शाने बनने के चक्कर में, बॉल्स ओपन करने के चक्कर में अपन ने डाल दिए ब्लैक, जो कि एक गेम में गुड लक हुआ तो दूसरे गेम में बैड लक हो गया, और इसी के साथ हमारा ओपोनेंट गेम जीत गया। तो ये थी प्रो ब्रेक वर्सेस नूब ब्रेक। मेरे को कमेंट करके बताना कौन सी वाली ब्रेक ज़्यादा अच्छी थी, वो प्रो वाली थी जो ओपोनेंट ने किया था, या वो नूब वाली ब्रेक थी जो हमने किए थे। वो जो भी था वो तुम लोग कमेंट करके बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये है इस वीडियो का आखिरी गेम, एक और गेम दिखाता हूँ। सेकंड मैच में अपन आ गए, थोड़ा सी एक आध कैश मैंने वेस्ट किया क्योंकि एक गेम अपन हार गए थे। अब ये गेम में कुछ इनडायरेक्ट का मौसम मैं देख रहा हूँ कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। पहले तो यार नीले रंग का टेबल है तो नीली रंग की बॉल खेल लेते हैं बॉटम राइट में, प्यारा सा एंगल बनाते के साथ ही। चलो ठीक है, मेरा इंटेंशन नहीं था ओपोनेंट की रेड बॉल डालने का, पर वो चली गई, कोई बात नहीं, होते रहता है, जाते रहती है। और तुम लोग एक और बात बोल दो, अगर किसी ने अभी तक अंकित 8BPYT को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, बंदा गिव अवे कर रहा है, तो उस गिव अवे का लाभ उठा लो, फ़ायदा उठा लो, कहानी ख़त्म करो रफा दफा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अपन ने प्यार से इनडायरेक्ट खेल लिया ऑरेंज को, अभी तीसरी बॉल जो भी खेलेंगे इनडायरेक्ट, तो मैं थोड़ा सी सोच रहा हूँ कि रेड खेल ले, लेकिन रेड खेलेंगे तो अभी मैंने तुम लोग को बताया कि भाई पोजीशन मैटर करती है, कोई भी बॉल तुम लोग नहीं खेल सकते, तुम्हें इसका ध्यान रखना है कि तुम्हारा क्यू बॉल कहाँ जाएगा। खैर इनडायरेक्ट तो लग ही जाएगा नो डाउट, लेकिन उस बॉल के बाद तुम लोग कहीं दफन ना हो जाओ तो तुम लोग को आगे की पोजीशन सोचनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपन एक खेल रहे हैं ब्राउन बॉल, प्यार से खेल लेते हैं, और मेरा कोशिश थी कि भाई कुछ पोजीशन ईजी और हो सके, बिकॉज बॉटम के साइड में ओपोनेंट की येल्लो बॉल है तो वो दुख वुख ना दे, ठीक है। अभी बंदा बोल रहा है एपिक गेम भाई, उसको अभी समझ में आ रहा है कि एपिक गेम खेलना है, तो कोई नहीं, उसके साथ उसको मना कर देते हैं, ये वाली बॉल को मैं डायरेक्ट खेल लेता, हालांकि उसको भी इनडायरेक्ट खेल सकते थे, लेकिन ओपोनेंट का जब दिमाग बोला कि बंदा एपिक खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ा सी चौंका देते हैं भाई, सफ़ेदी के आगे उजाला, उसको उजाला दे देते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक उसको मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैक मैं इनडायरेक्ट खेलूंगा तेरे लिए, ये मैं सब डायरेक्ट खेल रहा हूँ तो इन सबको मैं डायरेक्ट खेल लूँगा। बाय द वे ये इस वीडियो का आखिरी गेम, दोबारा बोलूँगा पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अभी एपिक गेम बोला है तो उसकी बात मानते हैं, इनडायरेक्ट खेल कर जाते हैं, हालांकि कोई खास ट्रिक शॉट नहीं है ये, बट सिंपल सा इनडायरेक्ट है। और इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा वो भी कमेंट करके बताना, और क्या अच्छा लग सकता है, क्या कुछ नया करे वो भी बताना, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा एडे जैसे हो गए हो, बता नहीं रहे हो भाई, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे पता नहीं क्यों। चलो ठीक है।